हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर रंजीत, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, हाँ ठीक है। क्या स्कोर रहा आपका? सर मेरा 128। 128 स्कोर, हाँ हाँ। कैसा लगा ओवरऑल पेपर देख के? सबसे पहले इससे बात करते हैं। पेपर यार है ना टफ है। टफ है हाँ। का जैसे अपन देख रहे थे ना स्टार्ट में पेपर ठीक आ रहा है, अब धीरे धीरे वो घुस रहा है अंदर। हाँ हाँ, सबसे पहले तो बात है कि तुम व्यापम करके एमपी एक भी नहीं पूछ रहे हो। अच्छा, क्यों पढ़ा पा रहे हो यार? क्वेश्चन एक भी नहीं था एमपी का, एक क्वेश्चन था मात्र। मैं उसे भी एमपी में नहीं बोलूंगा, बोलूंगा कि जनरल, किसी को भी पता होता है एमपी नहीं भी पढ़ेगा तब भी बता देगा। अच्छा, वो तो ऐसा क्वेश्चन है ना। मैक्सिमम तो सब बाहर से था। जीके में पहले अपन जीके, हाँ जीके की बात कर लेते हैं। एमपी बिल्कुल नहीं, एमपी बिल्कुल नहीं है। करंट अफेयर 2022 या 23 कौन सा था? 2022-23 ही है, वो भी नेशनल नहीं है। नेशनल है? नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, इंटरनेशनल। हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा दूसरे देश में क्या हो रहा है, कौन राष्ट्रपति मर रहा है। हाँ, हाँ। कौन प्रधानमंत्री का क्या हो रहा है, किसने अभी पद ग्रहण किया है, क्या किया है, इस टाइप का हुआ था है ना। तो देखा जाए तो नेशनल नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल पढ़ो। और अगर इस जीके में अपन बात करते हैं, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेगा आपको। कंधारिया महाद्वीप का आया था, किसने बनवाया था, वो भी ऐसा नहीं पूछ रहा कि डायरेक्ट बता दिया किसने। उसमें चार दिए हैं कि इनमें से कंधारिया महादेव में कौन सी रिलेटेड जो सेंटेंस है वो गलत है। अच्छा, आपको वो बताना पड़ेगा। आप यहाँ पे यूपीएससी का भी थोड़ा फ्लेवर देखोगे, एक दो सही है, दो सही है, दो तीन सही है, तीन चार सही है। अच्छा, हाँ, आपको ये बताना चाहिए कंधारिया महादेव के अंदर में गर्भगृह है कि नहीं। अच्छा, अब ये बताओ आप ढूंढोगे क्या? मतलब तो थोड़ा सा लेवल, हाँ थोड़ा सा लेवल गया हुआ डायरेक्ट, ये कह सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव जो होता है उस पर टिक नहीं लगा सकता। नहीं नहीं लगा सकता, मतलब सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था क्या? मुझे ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, नहीं लगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कुछ? हाँ, इकोनॉमिक्स से था, पर मेरे को अभी ध्यान नहीं है कौन सा। इंडिया जीके से कोई ऐसे क्वेश्चन? हाँ, मतलब इंडिया जीके से, मतलब उसने अपना वगैरह हो गया, परियोजनाएं हो गई कुछ ऐसी? नहीं, परियोजना नहीं थी, अभ्यारण भी नहीं थे, स्टैटिक नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में आप जरूर देख सकते हैं, सबसे कहूंगा हिस्ट्री पढ़ी लेना, थोड़ा सा आ ही रहा है, पढ़ी लेना हिस्ट्री, आ ही रहा है। मैथ्स रीजनिंग का दोनों का मिला के वेटेज क्या रहा होगा? मैथ्स रीजनिंग यार मतलब 50 से तो प्लस ही, 60 मान लो आप, 60 तो मान लो आप। मैथ रीजनिंग दोनों, तो मैथ्स में किस प्रकार का, कैसे क्वेश्चन थे यार? मैथ्स है ना, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। अच्छा। पर मैं सबसे ये कहूँगा भाई, मैथ्स है ना जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ना कि बेलन ने इसने कर दिया। अच्छा। बेलन का आयतन बता दो, बकप्रेस बता दो, कुछ नहीं। अच्छा। आप है ना बेलन काटोगे, अंदर एक निकालोगे, ठीक है। अब इतना वो क्वेश्चन, मेरे को एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको कि एक शंकु में से उन्होंने घन काट लिया। अब ये पूछ लिया कि बचा जो है उसका परसेंटेज बताओ। अच्छा, तो आपको एक भी डाटा कुछ भी नहीं है, डाटा है ही नहीं आपके पास, है ही नहीं। आप घन और इसका वो निकाल लो, आप कंपैरिजन देख लो। तो मुझे तो मतलब मैथ्स में भी नॉर्मल नहीं, बहुत कैलकुलेटिव है, टाइम कम पढ़ना है। मैं बहुत हवुए में था कि मैथ्स में निकालूंगा, टाइम 3 घंटे बहुत पर्याप्त है, घर पे 2 घंटे में भी कर ले रहे थे हम, पर यहाँ पे 3 घंटे भी कम है, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस करके आओ। मैथ्स में ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिल रहा है? टोटल एरिथमेटिक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इधर से, एडवांस है, उसमें से मेंसुरेशन देख लो और एक ज्योमेट्री में वर्ग देख लो आप, ठीक है, बस हो गया। मतलब नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूरा टेकिंग, मतलब आप एरिथमेटिक में अंदर। अच्छा, अंदर एरिथमेटिक में भी नॉर्मल एरिथमेटिक नहीं है कि आप शुरू में सटासट क्वेश्चन कर लिए आपने। अच्छा, हाँ, हाँ, आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, हाँ, फिर करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन वगैरह, नंबर सिस्टम इनके कैसे? देखो आज सिंप्लीफिकेशन का मात्र मेरे पास 1 या 2 क्वेश्चन दिखा था। अच्छा, बोर्ड मार्क्स से 1 भी क्वेश्चन ही था। अच्छा, पैटर्न कोई सेम नहीं है, रोज बिजनेस देख रहे हैं हम, कोई भी मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि आप ना देखे एनालिसिस, पर एनालिसिस में सिर्फ आपको एक जगह फ़ायदा मिलेगा, PQRS कर लो आप बिल्कुल, इतनी प्रैक्टिस कर लो PQRS की कि 100-150 लगा के आओ, ठीक है। आप एंटोसिनो पढ़ के आओ, मिसस्पेल्ड पढ़ के आओ, ठीक है, ठीक है। और आपके बाद हिंदी में बर्तनी, ये अलंकार अलंकार तो नॉर्मल हो जाएगा। देखो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर फोकस कर लो, इंग्लिश और इसको डरो मत, इंग्लिश हिंदी से उसको स्कोर मार लो। अगर इधर नहीं भी हो रहा है तो इंग्लिश हिंदी पे स्कोर कर सकते हो आप, कहना मैं तो बोलूंगा कि कोई सा भी सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग बनने ही नहीं वाला है। अच्छा, ओवरऑल सब में ही अच्छे नंबर आप लाओगे तो ही नंबर आ पाएंगे। अच्छा, तो इंग्लिश हिंदी हो गया, साइंस में किस प्रकार का वेटेज देखने को मिला? साइंस तो यार 20 क्वेश्चन थे,
हाँ जिसमें से बायोलॉजी अच्छी क्वेश्चन थे और उसमें भी वो अच्छा पूछ रहा है अंदर, ऐसा भी नहीं बिल्कुल। 10 क्वेश्चन आप नॉर्मल मान लो, 10 क्वेश्चन आप थोड़े से ऐसे मान लो। ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा आप डीप से पढ़ रहे हो बहुत अंदर से, तो आपको बनेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल बनेंगे होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे अगर हवाबाजी में पढ़ रहे हो, नहीं आप स्टैटिक में जा रहे हो, स्टैटिक में कि हाँ यार मैंने स्टैटिक सब आता है, मेरे को साइंस का भी स्टैटिक आता है तो मैं चले जाऊँगा, नहीं है ऐसा नहीं। देखो ये पेपर है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सीधा सीधा है ना आपको घुमाने, टाइम मैंने बैलेंस करने, और आपका है ना एक जनरल जो चल रहा है अदर एग्जामों में पैटर्न। आप सोच रहे हो मैं कुंवर गौरव पढ़ लूँगा, कुंवर गौरव के फटाफट स्टैटिक सब याद है मुझे, अभी एक घंटे में मैराथन में सब पढ़ लिया, वो नहीं पूछ रहा आपसे। अच्छा, पूछ नहीं रहा स्टैटिक से कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा अंदर सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए आपको, थ्योरिटी अगर आप पढ़ रहे हो। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट को उठा रहे हो, हिंदी अगर मैं साइंस में बात करूँ, अगर आप हार्ट को पढ़ रहे हो, हृदय को, तो पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, क्लास में पढ़ाया जाता है पूरी तरीके से। बिल्कुल 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 तरीके से जब जाकर हो पाएगा। मैनेजमेंट में क्या हालत रहे? मैनेजमेंट अच्छा था, मुझे बहुत डर था, बढ़िया मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में मैनेजमेंट में ना मैं बोल रहा हूँ कि आप है ना थोड़ा सा आज तो अच्छा भी रहा मेरा, थोड़ा इसको ठीक भी इसलिए हो पाया क्योंकि जो अकाउंटिंग थोड़ा सा था तो पूछा उसने, तो आपको अकाउंटिंग का थोड़ी टर्म पता होने चाहिए, डेबिट क्रेडिट है ना, नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, तो अब इनका कौन से किस में डालोगे आप, जैसे बिल्डिंग अकाउंट है आ जाया था, बिल्डिंग अकाउंट किस में आएगा, तो आपको वो रियल अकाउंट में आएगा, तो इस तरह से पूछ रहा, ज़्यादा मैनेजमेंट में दिक्कत मत लो। कंप्यूटर में क्या हालत है यार? कंप्यूटर ने तो लगा लिया आज, तो आज कंप्यूटर मतलब जितना सोचा था वैसा नहीं आया। अच्छा, डीप में क्वेश्चन, डीप में क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकली नॉलेज अगर है आप है ना ये क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं एक्चुअली, क्या है अपन कहीं ना कहीं देख लो ना तो वो फट से याद आता है, आप ये क्वेश्चन देख ही नहीं रहे, मुझे समझ में अपन बना कहाँ से क्वेश्चन रहा है। अच्छा कि सब अलग अलग से ला रहे हैं, ना तो तुम SSC में देखोगे ये वाले क्वेश्चन कब, ना कहीं बैंकिंग में देखोगे आप कुछ, उन्होंने कहा मैं अलग ही बनाऊंगा, मेरे टाइप से बनाऊंगा, मैं देखूंगा, मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। क्या क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो देखे हुए होने चाहिए ना, तभी तो होते हैं। सही है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, इंग्लिश में PQRS चलो नॉर्मल है, पर बाकी जैसे स्टैटिक, GK वगैरह इनमें सब में थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जो जनरली पूछे जाते हैं। अच्छा, अपन इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार इतना तो यार ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को फाइनल? देखो यार फाइनल ये है, इंग्लिश में, इंग्लिश में कुछ मत पढ़ो, PQRS पढ़ लो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एंटोसिनो पढ़ जाओ, मिस स्पेल पढ़ जाओ, ठीक है, पाली ग्रामर को रख दो घर, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 20 दिन से देख रहा हूँ इंग्लिश से, यही आ रहा है, ठीक है, ये अपना फिक्स हो गया। ओके, और रीजनिंग में आप भाई वो कोडिंग डिकोडिंग करना ही है अपने को, सीरीज आज आई नहीं एक भी, ठीक है, और पैटर्न फॉलो जैसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में मेरे को पैटर्न फॉलो लगा कि वो एक जैसे ही पैटर्न रख रहा है, ठीक है, और मैथ्स में ना अच्छी प्रैक्टिस करके आओ यार, बढ़िया प्रैक्टिस करके आओ, तो ही वहाँ पे बनेगा, कैलकुलेशन होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, सभी बच्चों को टाइम दिया। जी मैम, क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी जी, क्या स्कोर है आपका? 126। अच्छा स्कोर है आपने, तो आप तैयारी कर रहे थे पटवारी की या MPBSC वगैरह? नहीं नहीं, SSC स्टूडेंट। SSC की स्टूडेंट हो, मतलब थोड़ा सा आपको SSC से लेवल कुछ अलग लगा, इसका टफ लगा या ठीक है? सो है, सो लेवल था, इतना कुछ खास नहीं है। नहीं, जो मैथ रीजनिंग में बच्चे बोल रहे कि बहुत ज्यादा डरावने क्वेश्चन है, ऐसा कुछ तो नहीं है? एक्चुअली मैं SSC की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा लगा। आपको तो ज्यादा नहीं लगा, मतलब मैथ रीजनिंग तो आपकी अच्छी हो गई होगी, इंग्लिश भी हो गई होगी, है ना? तो अगर टॉपिक की हम बात करते हैं, जैसे मैं बोलता जाता हूँ, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले, एक क्वेश्चन था, एक था, नंबर सिस्टम वगैरह से? नंबर सिस्टम से नहीं था। अच्छा, बोर्ड मास से? बोर्ड मास से था। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से दो तीन। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस? एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, इससे भी नहीं, दो क्वेश्चन थे। अच्छा, दो क्वेश्चन थे। नल टंकी से क्वेश्चन इससे नहीं थे? नाव धारा वगैरह इससे भी नहीं थे। एडवांस मैथ्स में कुछ? हाँ, लाइक क्यूबॉइड वगैरह से था, एक क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, ये से याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। और साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं थे इसमें? नहीं नहीं, इसमें उससे बच्चे व्यापम के बहुत ज़्यादा डरते हैं। नहीं नहीं, और मिश्रण वगैरह, एवरेज मिश्रण? हाँ, एवरेज के दो तीन क्वेश्चन थे। अच्छा, मिक्सर एलिगेशन, एलजेब्रा का भी क्वेश्चन था। एलजेब्रा का भी क्वेश्चन था, ठीक है। रीजनिंग तो नॉर्मली आ रही है जितना रीजनिंग? हाँ, एक टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था, लाइक कि जैसे 45 मिनट्स पे टाइम इंटरवल पे, मतलब हम लोगों की कोई घंटी बजती है, लाइक बेल रिंग होती है, तो फिर लाइक नेक्स्ट बेल 5 मिनट्स पहले, अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन था पूरा
का क्वेश्चन था, पर बन जाएगा नॉर्मली। हाँ, बट वो क्वेश्चन शायद गलत था, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन से लग रहे हैं एक दो क्वेश्चन गलत लग रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनके शो नहीं होते, मतलब ऑप्शन शो नहीं होते या क्वेश्चन शो नहीं होते। नहीं, एक्चुअली एक इंग्लिश में हुआ था, मुझे क्वेश्चन शो नहीं हो रहा था, बट वो मैंने हिंदी साइड से देखकर इजीली कर लिया था। डीआई के क्वेश्चन आज भी देखने को मिले। हाँ, दो तीन क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है, हिंदी में वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, वाच्य से पद चिन्ह वगैरह। हाँ, वाच्य से रिलेटेड था और वो करेक्ट, मतलब जो हिंदी में शब्द करेक्ट शब्द कौन सा है वो था। अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन था। अलंकार से भी थे, वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं, उससे नहीं, ध्यान भी नहीं है। इंग्लिश में कैसा था? इंग्लिश पैरा एग्जांपल ज्यादा थे। पैरा एग्जांपल ज्यादा थे, और कैसे क्वेश्चन थे इंग्लिश, मतलब टॉपिक कुछ आप जो मोस्टली बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे? पैसिव वॉइस वगैरह थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, और ग्रामेटिकल एरर थी, एंड बेसिक पैरा एग्जांपल्स थे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। हाँ है ना। तो साइंस में कैसा था? साइंस में केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन था, लाइक कुछ एलिमेंट्स दे रखे थे और एक गैस दे रखी थी मीथेन, तो कौन सा मतलब एलिमेंट नहीं है, ऐसा कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। प्रकार के क्वेश्चन। हाँ, फिजिक्स भी ऐसे ही थी, एक आध फिजिक्स का क्वेश्चन था। हाँ, बायोलॉजी में कैसा था? बायोलॉजी का मुझे याद नहीं है। बायोलॉजी के आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं। और मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट का बेसिक क्वेश्चन थे, याद नहीं है, बट हाँ ऐसे थे कि इजीली हो जाएंगे। हेलो, मुझे याद नहीं, एक दो क्वेश्चन हो तो। इंटरनेशनल करंट अफेयर था, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। ध्यान नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। एमपी से कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, एक आध क्वेश्चन हो तो पता नहीं है, बट नो आइडिया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कपिल नामदेव। कपिल नामदेव जी, क्या स्कोर रहा आपका? मेरे 119 नंबर आए। 119 नंबर आए जी। कैसा रहा पेपर? आपने तैयारी की थी इसकी या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? नहीं, हाँ तैयारी, कमी तैयारी की थी। अच्छा, कमी की थी, बिल्कुल। अगर मैथ रीजनिंग की बात करते हैं हम, तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे? रीजनिंग के तो अच्छे क्वेश्चन थे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। 20 से 25 रीजनिंग के थे, बिल्कुल। और मैथ्स में? मैथ्स के भी थे लगभग इतने ही, 20 के लगभग। इतने क्वेश्चन मैथ्स के होंगे लगभग। अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ तो सिंप्लीफिकेशन जो होता है मैथ्स में, उससे क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन हाँ थे, दो चार, एक दो क्वेश्चन थे। एक एक दो दो क्वेश्चन। हाँ, एक एक दो। टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन था? नहीं, टाइम वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं था, बिल्कुल। टाइम एंड डिस्टेंस? टाइम डिस्टेंस का था एक आध क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन। नाव एंड धारा के कोई क्वेश्चन थे क्या? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। नाव एंड धारा का एक भी क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सीआईएसआई की, उसमें कोई क्वेश्चन चक्रवाती ब्याज, साधारण ब्याज, उसमें थे लगभग 4-5 क्वेश्चन थे। 4 से 5 क्वेश्चन थे, बिल्कुल। अच्छा, डिस्काउंट वगैरह से कोई क्वेश्चन, जैसे बट्टा वगैरह? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। इनसे कोई क्वेश्चन? बिल्कुल क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और औसत से मिक्सर एंड एलिगेशन? हाँ, औसत वगैरह के थे, चक्रवर्ती ब्याज वगैरह के थे। चक्रवर्ती ब्याज के भी थे, बिल्कुल, है ना। तो मैथ्स में ये हो गया। अब रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे क्या? हाँ, दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे। और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था क्या? सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं था। नंबर सीरीज से? नंबर सीरीज भी नहीं था, एक भी। जैसे मिसिंग नंबर वगैरह का कोई डायग्राम दे दिया हो, इसमें बीच में नहीं 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 आया, ऐसा भी नहीं था, आया नहीं क्वेश्चन। अच्छा, सीरीज से क्वेश्चन थे? सीरीज से भी एक आध क्वेश्चन था। अच्छा, तो फिर रीजनिंग किस प्रकार की देखने को मिली? कथन निष्कर्ष? हाँ, कथन निष्कर्ष थे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष थे। 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष थे, मतलब कथन निष्कर्ष का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया। बस बस बस। अच्छा, और बात करते हैं हिंदी में, हिंदी में किस टॉपिक से ज़्यादा देखने को मिले? हिंदी में तो सभी तरह के क्वेश्चन आए लगभग। अच्छा, जैसे वर्णमाला से क्वेश्चन थे? नहीं, वर्णमाला का नहीं आया। संधि समास से? संधि समास थे। पर्यायवाची? पर्यायवाची थे। वाच्य वगैरह? नहीं, पर्यायवाची नहीं आया, वाचित थे। वाच्य थे, हाँ। और उपसर्ग प्रत्यय, इनसे क्वेश्चन? नहीं, प्रत्यय उपसर्ग भी नहीं आया। अच्छा, रचनाएं वगैरह कुछ? नहीं नहीं, इनसे क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, तो नॉर्मली पद चिन्ह वगैरह जो होते हैं कि ये चिन्ह लगेगा यहाँ पर या ये है, इस नहीं नहीं, इस टाइप के भी नहीं आए। कुछ जो सेंटेंस अरेंजमेंट करने का होता है पैरा एग्जांपल टाइप के, वैसे क्वेश्चन के कुछ सेंटेंस दे दिया हो, पी क्यू आर एस के, इसमें जमाना है, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आए। इस टाइप के क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन होंगे इस टाइप के? लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो एक ओवरऑल अगर हिंदी की बात करें तो नॉर्मल था, बिल्कुल, है ना। इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? पैरा एग्जांपल के कैसे क्वेश्चन थे? इंग्लिश का तो सवाल मत पूछो, रहना है इंग्लिश का, पूछे ही नहीं तो ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। इंग्लिश नहीं याद है तो ठीक है, बाकी पूछते ही नहीं है। मैनेजमेंट में या वो भी पूछने लायक नहीं है? मैनेजमेंट में पूछ लो, तो पूछ सकते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे व्यवहारिक नॉलेज के या फिर कुछ? हाँ, व्यवहारिक नॉलेज वगैरह के भी थे। हाँ, सभी तरह के थे कुछ, सारे मिक्स थे, है ना। टर्म्स पर ऐसा कुछ अलग से नहीं था स्पेशल क्वेश्चन? हाँ नहीं, स्पेशल है ना, अलग से कुछ नहीं था। साइंस में किस प्रकार की साइंस थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? साइंस के थे एक दो क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, तो बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा थे? नहीं, बायोलॉजी का तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। बायोलॉजी का एक भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। तो इन्वायरमेंट से इनसे क्वेश्चन?
हाँ थे लगभग कुछ ही क्वेश्चन थे है ना, लगभग इससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? कंप्यूटर में नॉर्मली थे, ज़्यादा ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ नॉर्मल। एम एस ऑफिस से कोई क्वेश्चन? हाँ एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड से थे। अच्छा इनसे क्वेश्चन थे। नेटवर्क वगैरह से क्वेश्चन? नेटवर्क से भी थे। सॉफ्टवेयर वगैरह के क्वेश्चन थे? सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन भी थे। और जनरेशन से क्वेश्चन तो नहीं थे कंप्यूटर की? नहीं जनरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो अगर बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो पहले मैथ्स को सॉल्व करना चाहिए या जीके को आपके हिसाब से? जी मैंने तो जीके को किया सबसे पहले। जीके को आपने सॉल्व किया है ना, टाइम कम तो नहीं लगा? नहीं टाइम तो पर्याप्त था। पर्याप्त था टाइम, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो साथियों जैसा कि आज आपने देखा है कि 5 तारीख के दिन किस प्रकार का पेपर का लेवल रहा है, कुछ बच्चे हैं जो कि बता रहे हैं कि पेपर का जो लेवल है वो जैसा चल रहा है उसी टाइप से, और कुछ बच्चों का कहना है कि बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जा रहा है। और ये एक सही निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँच पा रहे हैं कि ये चीज़ तो भाई कन्फर्म है कि आपको डीप में नॉलेज सब्जेक्ट का होना चाहिए, जैसा कि अभी के टाइम पर ट्रेंड चल रहा है बच्चों का कि बस MCQ लिए और सॉल्व कर रहे हैं, बस MCQ पर जा रहे भाग रहे बच्चे, ये गलत ट्रेंड है, इससे काम नहीं हो पाएगा। आपको डीप में नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट का और डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जा करके हो पाएगा। तो इस तरीके का पेपर है। अगर ओवरऑल हम आज स्कोर की बात करें तो जो बच्चों का स्कोर देखने को मिला है 130 140 तक ही देखने को मिला है, यानी कि जो डेली का स्कोर रह रहा है वही स्कोर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदी इंग्लिश सभी के बारे में आपने सुना, जीके के बारे में आपने सुना, बस मैथ रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा सभी, टेंशन मत लीजिए। सभी को अपना अपना जो है ऐसा ही लगता है कि भाई मेरा पेपर सबसे ज़्यादा टफ है, तो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए शानदार तरीके से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।